भिवंडी शहर के विभिन्न समस्या और विकास के कामों को लेकर भाजपा के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हर्षल पाटिल से की गई मुलाकात। इस मुलाकात में भिवंडी शहर में हो रहे विकास कार्य और कई ऐसी तकलीफों का सामना जिसमें ट्रैफिक, आरोग्य, अन्य ऐसे मूलभूत सुविधाओं से जो भिवंडी शहर के नागरिक वंचित हैं, इसको लेकर मुलाकात की गई। वैसे भी आपको बता दें कि हर्षल पाटिल ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भिवंडी शहर के विकास के लिए लाए गए निधि को लेकर उजागर किया और क्या कहा अपने वक्तव्य में हर्षल पाटिल जी, आइए सुनते हैं। हर्षल जी क्या कहेंगे, चित्र दिखा गया क्या पश्चिम में विकास की दिशा काफी बढ़ती हुई दिखाई थी। आज दिखा गया कि 100 करोड़ से भी अधिक ऊपर तो जो है काम की शुरुआत, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल आरोप भी लगाया जा रहा है कि चुनाव आते ही आप लोगों ने जो आज यहाँ पर फोन किया है ये खाली चुनावी दिखाया जा सकता है। देखो पहले तो मैं जो आरोप जो लोग कर रहे हैं तो आरोप में एकदम खंडित करता हूँ। पहली बात तो करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक या हमारे सांसद हो, इनके माध्यम से जो भी भिवंडी का आज तक जो विकास हुआ है, हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब हो, हमारे महेश चौधरी साहब, 10 साल में जो उन्होंने विकास किया है शहर का वो दिखाई दे रहा है। अभी देखो प्रश्न उपस्थित करना या पूछना कि क्या विकास हुआ है ये आसान है, लेकिन जो दिखता है जो 52 रस्ते जो RCC पहले पूरे टार रोड होते RCC रस्ते की है, उसके अलावा भी महेश जी की अगर बात करते हैं तो जो ब्रिज है भिवंडी में 3 ब्रिजेस किए हुए, कोर्ट की बिल्डिंग हुई है, पुलिस लाइन हुई है, मेट्रो का काम हुआ है, बहुत 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 यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का फंड यहाँ पे लाके जो काम अगर देखे तो ये कॉरपोरेशन का काम है, सड़क बनाना ये सब, लेकिन कॉरपोरेशन कहीं पे दिखाई दिया कि कॉरपोरेशन ये कर नहीं पा रही है, फेल्योर था कॉरपोरेशन का। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल और स्टेट में जब जो सरकार है उसके माध्यम से ये सब पूरा काम हुआ है। आज हमने दोपहर से, आपने देखा रहेगा कि दोपहर से हम दरगाह रोड से गांधी हॉस्पिटल का RCC रास्ता हुआ, वो एक ओपनिंग हुआ, 15 करोड़ का CC रोड है। घूंघट नगर में भी CC रोड का आज भूमि पूजन हुआ। उसके बाद में हम खाड़ी पार गए, खाड़ी पार का जो रास्ता है, खाड़ी पार से लेके हमारा बंदर मोहल्ला को जोड़ने का RCC रास्ता है, ब्रिज है, वो हुआ, वो भी कोई करीबन 17 करोड़ का है। दूसरी सबसे अच्छी बात दो जो ग्रामीण इलाके है ये विधानसभा, एक कटई और दूसरा कारियुल, ये दोनों गांव को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का आज भूमि पूजन हुआ है। तो अगर देखेंगे तो टोटली समवेयर अराउंड 100 करोड़ के ये निधि से ये महेश जी ने उसके माध्यम से ये काम हुआ है। हमारे PWD मिनिस्टर रविंद्र चौहान साहब की इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने जो निधि जो उपलब्ध करके दिया है तो डेफिनेटली उनका यहाँ पे मैं उल्लेख, नाम का उल्लेख करना भी मैं जरूरी समझता हूँ। तो ऐसे अनेक कार्य काम हो रहे, अभी देखते हैं ना, एक एक मन जो मराठी में हम लोग बोलते हैं कि दिखता है वो बिकता है, तो लोग कुछ दिखाते हैं यहाँ पे जो कुछ करते नहीं और तो भी दिखाते हैं मैंने किया मैंने किया। कहीं पे महेश चौगुले साहब का एक स्वभाव ऐसा है कि वो ऐसा दिखाने में ये नहीं रखते, मानते नहीं, वो काम करने में वो उनका ये रहता है, तो उन्होंने काम करके सिद्ध किया है। अभी जो लोग बहुत से आज दिन भर लोगों ने प्रश्न उपस्थित किया, ये जो धामनकर नाके से जो मंडई नाके पे जो रास्ता जा रहा है उसका काम कहीं पे स्लो है या काफी क्लियर हो रहा है। देखो RCC रास्ते का जब काम होगा, कोई भी हाईवे हो, ये बाईपास की बात हो या कहीं भी हो, जब रास्ते का काम शुरू होता है और विशेष तौर से RCC रोड का, तो RCC रोड के लिए वक्त लगता है। RCC रोड का कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी एक पीरियड रहता है जिसमें वो यूज नहीं कर सकते आप, उसमें आपको वो वैसे ही रखना पड़ता है, उसको वाटरिंग प्रॉपर करना पड़ता है, तो एक पीरियड समवेयर अराउंड 20-25 डेज का रहता है, क्यूरेटिंग पीरियड या कुछ उसको बोलते हैं। तो इसमें ये होगा, लेकिन थोड़े लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। इतने साल में इसके पहले जो खासदार थे, जो आमदार थे, जो उन्होंने किया नहीं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आमदार और खासदार ने किया है ये 10 साल में, वो आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो
प्रश्न पूछना इजी है कि क्या विकास किया है। बहुत विकास हुआ है और हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है, स्कूल के क्षेत्र में हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अभी लाइब्रेरी जो भी है, या अभी और एक हमारे पूर्व पश्चिम विधानसभा पूर्व विधानसभा में भी यूपीएससी एमपीएससी के लिए एक लाइब्रेरी संतोष जी के माध्यम से हम लोग वहाँ पे ये करे, उसका भी इनोग्रेशन कल एक्चुअली था, लेकिन हमारे रतन टाटा जी उनका कल देहांत हुआ इसलिए उस वजह से वो थोड़ा पोस्टपोन हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे हजारों माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब हो, महेश चौगुले साहब हो, इन्होंने और भिवंडी के लिए विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या कहेंगे सर, देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार के नेतृत्व में इंदिरा गांधी चला है और देखा गया कि आईजीएम हॉस्पिटल में किसी प्रकार का बदलाव है। आज भी जो है बहुत ऐसे वो एम्बुलेंस की बात की जाए या फिर ऑपरेशन बहुत ऐसे बंद, स्टाफ की कमियां भी बताई जा रही है, पर अभी आपकी सरकार के कारण आपने क्या। आपको जानकारी होगी कि लोकसभा चुनाव के पहले आईजीएम हॉस्पिटल को लग के ही पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के हमारे हमने भूमि पूजन किया है और वो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के लिए निधि लाके हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब के माध्यम से वो निधि आया है और हमने उसका भूमि पूजन करके उसका काम भी शुरू हुआ। तो ऐसे नहीं है कि आरोग्य क्षेत्र जो है वो अनटच नहीं, हम उसमें भी कर रहे हैं, इसलिए तो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल वहाँ पे हमने डेवलप किया है। दूसरा जो इक्विपमेंट्स की बात है, जैसे एमआरआई मशीन हो, सीटी स्कैन मशीन हो, ये सब चीज भी ये इसका भी हमने फंड्स लेके वहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ है। तो आरोग्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। अभी आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि आईजीएम हॉस्पिटल की जो दूर अवस्था है, तो निश्चित तौर से आईजीएम हॉस्पिटल कि जो भी उसमें कठिनाइयाँ आ रही है हम तो फॉलोअप ले रहे हैं। हमारा पुराना आपको याद रहेगा, एक पुराना हमारा मंडे में एक हमारा हॉस्पिटल था जो बीजेपी हॉस्पिटल करके जाना जाता है, वो हॉस्पिटल हमने पूरा रीबिल्ड करके, ओल्ड बिल्डिंग डिमोलिश करके, रिकंस्ट्रक्ट करके, वहाँ पे लेटेस्ट हम लोग इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करके वो भी शुरू कर रहे हैं। यानी कहीं पे तो ये पूरे भिवंडी शहर के लिए आरोग्य व्यवस्था अच्छी प्रोवाइड कर सके, ये उद्देश्य से बीटीपी हॉस्पिटल को भी फिर से डिमोलिश करके और ये नया हॉस्पिटल ये किया गया है। अपना दवाखाना, ये भी हमारा फिरता दवाखाना भी है, अपना दवाखाना भी ये एक कंसेप्ट है, आपको पता रहेगा, वो भी हमारे माध्यम से हमारी सरकार ने शुरू किया है। तो ऐसे अनेक आरोग्य क्षेत्र में भी अनेक योजना के माध्यम से हो, आरोग्य क्षेत्र में आप अगर पूछोगे तो फ्री मेडिकल एड जो खासदार यानी सांसद और हमारे विधायक इनके फंड से कार्डियक सर्जरी हो या कोई भी कैंसर के पेशेंट्स हो, तो ये अनेक ऐसी योजना हमारे सरकार की है, आरोग्य योजना जो है उसके उसके अंतर्गत मरीजों को निधि प्रोवाइड करके उनके ऑपरेशन भी हुए, उनको अच्छी बेहतरीन ट्रीटमेंट भी मिली है। तो ऐसे आयुष्मान भारत क्या है, ये भी तो आरोग्य के ये करते हैं। अगर आपको कहाँ पे हॉस्पिटल्स में आपके एडमिशन 5 लाख का उसमें कवरेज है, हॉस्पिटल्स भी लिस्टेड है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वो 5 लाख तक आपको मेडिकल एड प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी हमारी तो सरकार ने लाया है। तो आरोग्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके सांसद ने और उनके विधायक सर। लेकिन भिवंडी शहर में बढ़ती ट्रैफिक के कारण देखा गया कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंट्रोल पर भी आप लोग क्या देखा गया, आप लोग पहले ट्रैफिक के प्रकार की जो है आप लोगों की बातों को वहाँ पर सुनवाई नहीं क्या। ये जो ट्रैफिक का मुद्दा है ये नकारूंगा नहीं, ये समस्या है भिवंडी के लिए, बहुत बड़ी समस्या, और ये समस्या का समाधान करने के लिए उसमें से कुछ वे आउट निकालने के लिए हम डेलीगेशन लेके
हमारे ट्रैफिक के जो एसीपी है उनसे मिले भी, और उनको हमने एक प्लानिंग करने के लिए कहा था, क्योंकि आप देखो कि हेवी व्हीकल्स को पीक आवर्स में, यानी जब स्कूल छुट्टी है या जो जो आज है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हेवी व्हीकल्स को एंट्री परमिट दी गई थी, तो हमने उनको स्ट्रिक्टली कहा कि ये हेवी व्हीकल्स को आप एंट्री बंद करो। और हमारा जो फ्लाईओवर भी इतना जैम होता था कि बहुत सी कठिनाइयां उसके वजह से आ रही थी जो स्कूल के विद्यार्थी थे। जैसे होली मैरी कॉन्वेंट है जो यहाँ पे पास में ही अंजुर पाटा के पास में रानाल जो हमारा गांव है वहाँ पे लोकेटेड है, ये स्कूल के विद्यार्थी वो स्कूल में जाने के लिए भिवंडी में से अगर देखोगे तो 10-15 मिनट एक्चुअली लगने चाहिए, वहाँ पे 2-2 घंटे उनको लगते थे, ये बिकॉज ऑफ ये ट्रैफिक कंजेशन था। हमने उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया था कि आप उस पर कुछ हल करो, नहीं करोगे क्योंकि उनकी एक तो उनके पास उनकी संख्या भी नहीं है ट्रैफिक पुलिस की, उसके वजह से भी कठिनाइयाँ आ रही है, और कहीं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पार्क व्हीकल्स है उसको उठाने में ही उनका पूरा वक्त जाता है, टूइंग व्हीकल्स है नहीं, यानी ट्रैफिक की समस्या या ट्रैफिक डाइवर्जन मैनेजमेंट ये देखने के बजाय ये सब में उलझे हुए रहते हैं। और उसमें तो बहुत लोगों की कंप्लेंट भी आ रही थी, मैंने भी कहा था कि आपके एक तो पार्किंग स्लॉट है ही नहीं, आप पार्किंग स्लॉट किए ही नहीं हो, और फिर लोग अगर कुछ दुकान में जाते हैं कुछ लाने के लिए वगैरह, पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं। अगर पार्किंग के अगर कुछ अलग व्यवस्था हो तो बात अलग है, तो फिर लोग मार्केटिंग के लिए जाते हैं और यानी उधर जाते तो इनके व्हीकल से उठाते, ये एक गलत काम हो रहा था। दूसरी सबसे अच्छी एक अच्छी नहीं बोलूँगा एक मेरे हिसाब से एक हमारे यहाँ पे पेशेंस भी लोगों में कम है थोड़ा। अभी फ्लाईओवर पे आप जाते हो एक लाइन से लोग खड़े हैं, लोग रुकते नहीं है कि बाबा चलो दूसरी लाइन चालू हो जाएगी, दूसरी लाइन और लगाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस भी हमें भी रखना चाहिए, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शहर की कुछ जो ये ट्रैफिक प्रॉब्लम है उसमें हमारे वजह से और कॉम्प्लिकेशन हो, तो ये सब चीज पे हम लोग भी वर्किंग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से आज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अभी त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली का भी त्यौहार है, अभी कल दशहरा है, ये त्यौहार के दौरान इतना कंजेशन रहता है कि बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को ट्रैवल करने में। अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मैं अभी आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप जल्द से जल्द कुछ स्टेप्स ले लो, प्रॉपर डिप्यूट करो आपके जो भी ऑफिशियल्स है, और अगर ये आने वाले कुछ दिनों में अगर हमें ये खामियां दिखाई दी कि आपसे ये नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर से हमें भारतीय जनता पार्टी को रस्ते पे आके आंदोलन करना पड़ेगा, और आपके अगेंस्ट हमें डेलीगेशन हमारे सीएम तक और डीसीएम तक पहुंचाना पड़ेगा। इससे आपके माध्यम से आप ये मैसेज जो मेरा है वो उनको पहुंचाओ, उनको एक अल्टीमेटम दे रहा हूँ, आप इस पे कुछ सुधार लाओ, नहीं तो हम लोग इससे सख्त से सख्त इस पे हम आंदोलन करेंगे।